दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं विक्की की पाठशाला। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है इसके एक्टिव और पैसिव की पहचान रूल क्या होते हैं और हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा जिसमें दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट यानी तीनों इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच में आपको मैं कंपैरिजन बताऊंगा एक टेबल के थ्रू। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के एक्टिव और पैसिव वॉइस को बना के दिखाऊंगा दो पेयर ऑफ सेंटेंस के माध्यम से। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा अंत तक देखते हैं यकीन मानिए आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए अब फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस होता है इसकी एक्टिव की पहचान क्या होती है। इसकी एक्टिव की पहचान होती है गा, गी, गे। जैसा कि आप इन तीनों सेंटेंस में देख पा रहे हो, पहले पे गे है, दूसरे पे गी है और तीसरे पे भी गे है। अब मैं इसके सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा। आपको तीनों स्टेप पता है। पहले स्टेप में आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ढूंढना होता है। दूसरे स्टेप में आपने उसकी पहचान करनी होती है और तीसरे स्टेप में आपने उसे रूल के अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो देखिए, पहला सेंटेंस अगर आपको मैं बना के दिखाऊं कि तुम कल दिल्ली में साइकिल खरीदोगे। मैंने कहा तुम कल दिल्ली में साइकिल खरीदोगे। कौन? तुम। क्या? साइकिल। खरीदना वर्ब, खरीदोगे फ्यूचर इनडेफिनिट, दिल्ली में और कल ये हमारा एक्स्ट्रा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है, क्योंकि दोस्तों यहां पे कर्ता मौजूद है। जब कर्ता हो तो एक्टिव, जब कर्ता ना हो तो पैसिव। तो सबसे पहले अगर हमें इसे इंग्लिश में बनाना है तो पहले नंबर पे हमने क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, हमने लिखा। दूसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे? विल। आप सभी के साथ विल लिख सकते हैं, शैल लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के भी साथ। तो यू विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे नंबर पे हमें क्या लिखना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खरीदने को हम बोलते हैं बाय, तो यू विल बाय। अब चौथे नंबर पे हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? साइकिल। तो साइकिल एक काउंटेबल नाउन है तो हम इसे लिखेंगे ए बाइसाइकिल, ए बाइसाइकिल। तो यू विल बाय ए बाइसाइकिल दिल्ली में, इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो देखिए दोस्तों कितना इजी सा सेंटेंस मैंने आपको बना के दिखाया। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है। तो इसमें क्रिया के बाद जाएगा, जाएगी, जाएंगे, ये य की जगह पे छोटा ए की मात्रा भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारे द्वारा दिल्ली में साइकिल खरीदी जाएगी, तुम्हारे द्वारा को मैंने नहीं लिखा, क्या लिखा? दिल्ली में साइकिल खरीदी जाएगी। क्या खरीदी जाएगी? साइकिल। खरीदना वर्ब, जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट, जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट। और कहां? दिल्ली में। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, हमारे पास एक्स्ट्रा है, बट इन दिस सेंटेंस वी डोंट हैव सब्जेक्ट। तो दिस सेंटेंस हैव टू बी मेड बाय पैसिव वॉइस, द रूल ऑफ पैसिव वॉइस। यानी इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि यहां पर हमारे पास कर्ता नहीं है। तो पहले नंबर पे हमें ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करना होता है? सब्जेक्ट की तरह। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए बाइसाइकिल, ए बाइसाइकिल। तो हमने लिखा है ए बाइसाइकिल, फिर हमने क्या लिखना है? विल बी। क्या लिखना है? विल बी। तो मैंने लिखा विल बी, ए बाइसाइकिल विल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बाउट। ए बाइसाइकिल विल बी बाउट दिल्ली में, इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है एक्टिव और पैसिव वॉइस को सीखना। दूसरा सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो मेरी बहन भारत
से मशीन लाएगी, कौन? मेरी बहन। क्या मशीन? लाना वर्ब, लाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट, भारत से एक्स्ट्रा हो गया, सिंपल। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माय सिस्टर, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है ब्रिंग, लाने का मतलब होता है ब्रिंग, माय सिस्टर विल ब्रिंग, अब भारत से, और सॉरी माय सिस्टर विल ब्रिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, मशीन, ए मशीन, अब एक्स्ट्रा क्या है, फ्रॉम इंडिया। तो हमने देखा कितना इजीली बना दिया इसको एक्टिव वॉइस के थ्रू। अगर मैं इसे पैसिव वॉइस में बनाता तो मैं कैसे बनाता, मेरी बहन के द्वारा, जो मैंने नहीं लिखा, भारत से मशीन लाई जाएगी, क्या लाई जाएगी, मशीन, लाना वर्ब, जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट, भारत से। अभी एक्टिव है या पैसिव है, ये पैसिव है, क्योंकि भारत से मशीन लाई जाएगी, कौन लाएगा ये तो पता ही नहीं है, तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के रूल से ना बनाकर हम पैसिव वॉइस के रूल से बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए मशीन, ए मशीन विल बी, देखो एक्टिव में आता है केवल विल और पैसिव में आता है विल बी, तो देखिए ए मशीन विल बी ब्राउट, क्योंकि ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्राउट, तो ए मशीन विल बी ब्राउट बाय माय सिस्टर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया। तो देखा आपने कितना इजी है ये। अब चौथा देखते हैं, और सॉरी तीसरा सेंटेंस, हम स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाएंगे, सॉरी स्वतंत्र दिवस मनाएंगे, कौन, हम, क्या, स्वतंत्र दिवस, मनाना वर्ब, स्कूल में एक्स्ट्रा, मनाएंगे फ्यूचर इन डेफिनेट, बहुत ही सिंपल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी विल सेलिब्रेट, वी विल सेलिब्रेट इन डे पेन डेंस डे एट स्कूल, ये बन गया हमारा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर विल लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर हमने प्रीपोजिशनल यानी ऑब्जेक्ट लिख दिया एट स्कूल। अगर मैं इसे पैसिव वॉइस में बनाता तो कैसे बनाता, हमारे द्वारा स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, हमारे द्वारा मैंने नहीं लिखा, क्या मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस, मनाना वर्ब, जाएगा फ्यूचर इन डेफिनेट, कौन मनाएगा दोस्तों ये नहीं पता, तो फ्यूचर इन डेफिनेट का पैसिव वॉइस का रूल लगेगा। तो कैसे लगाएंगे हम, कैसे लिखेंगे, इन डे पेन डेंस डे विल बी सेलिब्रेट सेलिब्रेट इन इंडिया इन इंडिया। अगर आप बाय लगाना चाहते थे तो ऐसे लिख सकते थे, इंडिपेंडेंस डे विल बी सेलिब्रेट बाय अस इन इंडिया, इज दैट क्लियर, और सॉरी इन इंडिया नहीं, एट स्कूल लिखा था मैंने, आप इंडिया भी लिख सकते हैं, स्कूल हमारा इंडिया में ही है। तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव आपको अच्छा समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे टेबल के थ्रू कंपैरिजन किया है, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को सीखना बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है ता है ती है ते है, ठीक है, ता हूं ती हूं ते हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ESES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, और एग्जांपल मैंने दे रखा है, मैं टीवी देखता हूं, भाई कौन टीवी देखता है, मैं, ये हो गया करता, क्या देखता हूं, टीवी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, देखना हमारी क्या होगी, वर्ब, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया और हमें वर्ब मिल गई, और ता हूं हमारी क्या होगी, पहचान होगी दोस्तों, बहुत ही सिंपल। अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग बनाऊं तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, आई वॉच ए टीवी, आई वॉच ए टीवी, क्लियर है। अगर इसी सेंटेंस को मैं पास्ट इंडेफिनिट में करूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा, मैंने टीवी देखा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है किया दिया लिया इस तरीके की होती है, जो कि आ से लेकर अनाखाली तक की मात्राएं होती हैं, और इसकी सबसे मेन बात मैंने आपको बताई थी कि कर्ता के बाद ने वर्ड आता है, मैंने, तुमने, उसने, इस तरीके के। तो मैंने टीवी देखा, ठीक है,
अगर हम रूल की बात करें, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ESES होता है वो चेंज हो जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो देखिए बहुत ही सिंपल, मैंने लिखा आई, आई लिखा और ये वॉच का मैंने क्या कर दिया, वॉच्ड कर दिया। तो देखिए बन गया हमारा सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस बना आई वॉच ए टीवी, मैं टीवी देखता हूं। आई वॉच्ड ए टीवी, मैंने टीवी देखा। और अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो देखिए गा गी गे, इसकी पहचान होती है। इसका देखो रूल, अगर इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले विल लगा दिया जाए और ESES हटा दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस बन जाता है। जैसे मैंने देखिए लिखा आई वॉच ए टीवी, मैंने लिख दिया और वॉच से आगे मैंने केवल क्या लगा दिया, विल लगा दिया। तो देखिए दोस्तों अगर मैंने इस वॉच को सेकेंड फॉर्म में बदला तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट, और इसी वॉच से पहले अगर मैंने विल लगा दिया तो बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत ही सिंपल। अगर देखिए मैं एक और एग्जांपल दूं, मैंने लिखा यू स्पीक, मैंने लिखा यू स्पीक इंग्लिश, मैंने लिखा यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो और अब तुम कहना चाहते हो कि तुमने अंग्रेजी बोली, तो इस स्पीक का आप क्या कर दोगे, स्पोक, क्या कर दोगे, स्पोक। यू स्पोक इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी बोली। और यदि आप इसको ये कहना चाहते हैं कि तुम अंग्रेजी बोलोगे, फ्यूचर में ले जाना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलोगे। देखिए कितना इजी है, आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट फॉर्म को अगर आप सेकंड में बदल देते हो तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आप विल लगा देते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। कितना इजी सी बात है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज तो आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। देखिए पैसिव वॉइस का कंपैरिजन करते हैं, अभी तक मैंने एक्टिव का कंपैरिजन करके दिखाया आपको, अब मैं पैसिव वॉइस का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। देखिए पहचान की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जाता है, जाती है, जाती हैं। पास्ट की बात करें गया, गई, गए, ठीक है। फ्यूचर की बात करेंगे जाएगा, जाएगी, जाएंगे, इस तरीके की है। रूल की बात करें तो दोस्तों देखिए रूल में केवल अंतर आता है यहाँ पे इज़ैमर है, जैसे ये इज एम आर वोजन वर्ब में बदलता है तो ये फ्यूचर इनडेफिनिट टू पास्ट इनडेफिनिट हो जाता है, जैसे ही दोस्तों ये विल बी में बदल जाता है तो ये फ्यूचर इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे था आई वॉच ए टीवी, आई वॉच ए टीवी, आई विल वॉच ए टीवी। यहाँ पे क्या है, टीवी देखा जाता है, क्या देखा जाता है, टीवी, देखना वर्ब, जाता है प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो हम क्या करेंगे, ए टीवी, मैंने ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना दिया, फिर मैं क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, ए टीवी इज वॉच्ड, ए टीवी इज वॉच्ड। अब दोस्तों देखिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ए टीवी, ए टीवी इज का क्या कर देना है, वॉज कर देना, ए टीवी वॉज वॉच्ड, टीवी देखा गया, सिंपल। ए टीवी इज वॉच, टीवी देखा जाता है, ए टीवी वॉज वॉच्ड, टीवी देखा गया। अगर हम फ्यूचर में करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल, ए टीवी विल बी वॉच्ड। तो दोस्तों देखिए कितना इजी है पैसिव वॉइस समझना, कि अगर आप इज एम आर को चेंज कर देते हैं वॉज एन वर्ब में। एक चीज को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने कुछ और सेंटेंस लिए आपको समझाने के लिए, अब देखिए जरा बहुत ही काम आएगा आपके। मैं तिलक नगर में चप्पल बेचता हूं, कौन, मैं, करता हो गया, क्या बेचता हूं, चप्पल, ऑब्जेक्ट हो गया, बेचना क्या हो गई, वर्ब हो गई, ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और तिलक नगर में ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है क्योंकि कर्ता पता है। तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या है, सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट, लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, ESES आएगा नहीं क्योंकि कर्ता है हमारा आई, फिर चप्पल को क्या कहते हैं, स्लीपर्स कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, स्लीपर्स, और एक से ज्यादा जोड़ी चप्पल की बेचता हूं तो इसलिए मैंने स्लीपर्स लिखा है, आई सेल स्लीपर्स। अब तिलक नगर जो एक्स्ट्रा है हमने लिख दिया एट तिलक नगर, तिलक नगर एक छोटा स्थान है इसलिए एट लगाएंगे। अब अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, स्लीपर्स लिखूंगा, ऑब्जेक्ट जो कि हमारी क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो कि हमारी क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा
स्लीपर्स, मैंने लिखा स्लीपर्स, यहां पे क्या है सेल है ना, यहां पे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, स्लीपर्स आर सोल्ड एट तिलक नगर। तो देखिए दोस्तों तिलक नगर, अब मैंने आपको पहले केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया। अब देखिए अगर मुझे इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है एक्टिव में और इसी फ्यूचर में ले जाना है तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, मुझे क्या करना है इस सेल को सोल्ड कर देना है। मैंने लिखा आई सोल्ड स्लीपर्स एट तिलक नगर, स्लीपर्स एट तिलक नगर, तो मैंने क्या किया केवल सेल का सोल्ड कर दिया, क्लियर। अगर फ्यूचर में ले जाना है तो कुछ भी नहीं, इस सेल के आगे विल लगा देना है बस, आई विल सेल स्लीपर्स एट तिलक नगर। तो देखा दोस्तों कितना इजी है ना, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव जानते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो ग्रामर आपके लिए इजी है। अब देखिए जैसे मैं इस आर को वर्ब में चेंज करूंगा, मैंने लिखा वर, मैंने लिखा स्लीपर्स, मैंने लिखा स्लीपर्स वर सोल्ड एट तिलक नगर, बन गया पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। जैसे ही मैंने स्लीपर्स को, स्लीपर्स को जैसे ही मैंने इस आर को विल बी में चेंज किया, ये बन गया दोस्तों हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। कितना इजी है, इस चीज को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक और सेंटेंस बनाया है, जरा ध्यान देना आप। बस पहला एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव आपको आना चाहिए, ये दो तो आपको फ्री में समझ आ जाएंगे। तो देखिए कौन तुम क्या आम तोड़ना वर पेड़ से एक्स्ट्रा ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव या पैसिव, एक्टिव क्योंकि कर्ता मौजूद है। तो मैंने लिखा यू ब्रेक, मैंने लिखा यू ब्रेक मैंगोज, मैंने लिखा यू ब्रेक मैंगोज फ्रॉम ट्री, क्योंकि फ्रॉम क्यों आएगा क्योंकि वो सोर्स है। तो मैंने लिखा यू ब्रेक मैंगोज फ्रॉम ट्री, अगर इसका पैसिव वाइज बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंगोज आर ब्रोकन, मैंगोज आर ब्रोकन फ्रॉम ट्री, क्योंकि दोस्तों मैं बाय नहीं लिखता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो बाय यू लिख सकते थे। अब देखिए इतना तो बन गया ना, अब मैं फोकस करूंगा केवल वर्ब पे। देखिए मैंने यू सेम लिखा, ठीक है, मैंगोज सेम लिखा, फ्रॉम लिखा और ट्री भी लिखा, सब कुछ सेम लिख दिया, सिर्फ इस ब्रेक का मैंने सेकंड फॉर्म ब्रोक कर दिया, बन गया यू ब्रोक मैंगोज फ्रॉम ट्री। फ्यूचर में लिख जाना है तो देखिए मैंने पूरा सेंटेंस उतार लिया, यू ब्रेक मैंगोज, मैंगोज फ्रॉम ट्री, सिर्फ इसके आगे मैंने विल लगा देना है विल। तो देखा दोस्तों कितना इजी है। पैसिव वाइज की बात करें तो ये जो आर है ना इसे आपने चेंज कर देना है वर्ब में और इसे ही चेंज कर देना है आपने विल बी में, आगे पीछे की चीजें क्या है सेम है। तो मैं यही बात आपको समझा रहा हूं, आप कितने रूल्स को याद करेंगे, लॉजिक को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आप देखना आपको इंग्लिश कितनी इजी लगने लगेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।